हेलो स्टूडेंट्स, राम राम जी सभी को। ड्रोन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज जो है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन डील करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा। देखिए आपका क्या है, फिफ्थ फाइव पेन। प्लीज हिंदी मीडियम वाले बच्चों से भी नम्र विनती है, प्लीज एनसीईआरटी को खोलें और हिंदी में उसको वहां पर रीड करें। भाई बच्चों, एक्चुअली क्या है, बोर्ड पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, ठीक है। बाकी मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फाइव पेंसिल एंड सेवन पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर अ सेवन पेंसिल एंड फाइव पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। हमें बताना है बेटा कि पांच पेंसिल और सात पेन का जो कॉस्ट है ₹50 है, जबकि सात पेंसिल और पांच पेन का जो कॉस्ट है ₹46 है। तो हमें बताना है कि आपका एक पेंसिल, वन पेन और वन पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा। तो बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितना होगा बेटा, एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना होगा बेटा, वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे बच्चों क्या कहता है। बच्चों देखो, फाइव पेंसिल, कितना पेंसिल हमारे पास, फाइव पेंसिल, यानी फाइव इंटू एक्स प्लस सेवन पेन, सेवन इंटू वाई, टोटल कॉस्ट कितनी बेटा, ₹50। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फाइव पेंसिल ₹X, हमारे पास एक्स पेंसिल थी फाइव, सॉरी ₹X लग रहा है ना, ये हमारे कॉस्ट निकालना था, रुपीज है, ओके। देखो ₹X था हमारा वन पेंसिल का कॉस्ट, तो फाइव पेंसिल है तो टोटल फाइव एक्स, और वाई रुपीज था पेन का कॉस्ट, वन पेन का तो सेवन पेन, तो इतना तो टोटल कॉस्ट ₹50। यहां तो कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब हमारा सेवन पेंसिल है, एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X, तो सेवन पेंसिल का सेवन एक्स कॉस्ट, एक पेन का ₹Y, तो फाइव पेन का फाइव वाई, टोटल कॉस्ट कितना आपका बच्चों ₹46। इक्वेशन टू, दो इक्वेशन हमारे डेवलप हो चुकी है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि एक पेंसिल और एक पेन, वन पेंसिल और वन पेन का कॉस्ट कितना है। ध्यान समझेंगे बच्चों, देखिए जरा, सबसे पहले हम इसको, इसके जो ब्लॉक्स हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं वो निकालते हैं। ये हमारा ब्लॉक हो गया फर्स्ट का, एक्स को वाई, फर्स्ट इक्वेशन का ब्लॉक पॉइंट्स एक्स को वाई, ये सेकंड इक्वेशन का, ठीक है। ध्यान समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले इक्वेशन लेंगे 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। सबसे पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, yx 5x 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50। देखो 7 इंटू 0 किसी की भी मल्टीप्लाई, अगर एनी नंबर टू मल्टीप्लाई बाय द 0 देन रिजल्टेड ऑलवेज बी 0, ठीक है, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो कितना आ गया, 0 आ गया बेटा, तो 0 हो गया, यहां पर बचा ओनली 50। अब जो यहां पर मल्टीप्लीकेशन में कहां जाएगा आपका, डिवाइड में जाएगा, कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में, कितना आ गया 10। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 10 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यानी कि हमने पुट किया वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। यहां तो कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताएं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या पुट करते हैं, अब हम पुट करते हैं पुट, ठीक है। अब हमारा एक्स की वैल्यू हमने क्या, सॉरी वाई की वैल्यू हमने 0 पुट कीजिए। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब हम यहां पर वाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, पॉइंट में आएगी। देखिए अगर हम कोई और वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यूज आता है, तो फ्रैक्शन में यहाँ पर बोर्ड पे या फिर ग्राफ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 पुट कर देते हैं। चलो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो कितना आ जाएगा ये आपका 7y, 50 माइनस कितना आएगा 15, 7y ये आ जाएगा 35, y की वैल्यू कितनी जाएगी 5 अपॉन में 7, तो कितना आएगा बच्चों, ठीक है, तो 7 5 से 35, ठीक है। अब इसके बाद देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी, 3, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी 5। यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं मुझे, ठीक है। एक बार देख लें बोर्ड पे आप, कोई भी एक बार इसको नजर मार लें। चलो बच्चों एक काम करते हैं, एक पॉइंट जो है हमारा वो हम यहाँ पर पॉइंट पे निकाल देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो है हमारा पॉइंट पे निकाल देते हैं, आपको लग रहा होगा कि सर पॉइंट पर नहीं निकाल रहे, देखते हैं देख करके क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर एक काम करते हैं हम, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, चलो x की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ठीक है, तो 7y 50 माइनस 10, तो 7y कितना आ गया 40, ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 40 बाई 7, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब हम इसे कट करेंगे तो कितना आएगा 5 सर, ठीक है, 35, 5 बचा 50, 7 है, तो अराउंड 5.7 समथिंग कुछ आएगा। तो हम एक एग्जैक्ट थोड़ा डेटा ले लेते हैं नियरेस्ट वैल्यू को, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करी 2, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 5.7, देखेंगे इसको भी ग्राफ पर ड्रा करके कैसे आएगा वैल्यू, एग्जैक्ट तो ग्राफ ना अपने पास ग्रिड वाला ग्राफ नहीं है, अगर ग्रिड वाला ग्राफ होगा तो इजी पे हम यहां पे समझ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, यहां पे देखिए बच्चों 7x plus 5y is equals to 46, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू 8 देखो 3 पुट करते हैं, चलिए x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 8 भी पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, कोई सा भी देखते हैं, मैं 3 इसलिए ले रहा हूं बेटा कि हमारी जो पॉइंट वाली वैल्यू है यहां पर एलिमिनेट हो जाए, इसलिए मैंने माइंड में सोचा कि हम यहां पर जो पॉइंट वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो देखिए ये कितना आएगा आपका 7, हमने यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करी, ध्यान से समझिए 7 3 21 और इधर प्लस में लगा के कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 2 और 5, तो कितना हो जाएगा आपका 5, यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों, मेरे ख्याल से होप सो आपको, ठीक है। देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आपने क्या पुट करी, x की वैल्यू अगर 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आपने 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब नेक्स्ट डेटा जो है आपका वो हम क्या पुट करेंगे, अब हम पुट करते हैं y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 8, तो हम क्या पुट करेंगे 7 into 8 plus 7 into 8 plus 5y is equals to 46, सभी को विजिबल होगा, देखिए तो ये कितना आ जाएगा बेटा 856, 5y 46, ठीक है, 8 7 का 56, 5y 46, 5y ये आ जाएगा 40, ये y है 46 minus 56, 5y, देखिए 46 minus 56 minus का 10 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 10 अपॉन में 2, तो कितना आ गया आपका माइनस 5 आ गया, कितना आ गया आपका माइनस 5, आपने x की वैल्यू 8 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस 5, मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी को भी, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट है तो बताओ, ठीक बच्चों कोई दिक्कत, चलो अब क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पुट करेंगे, सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 5 आनी थी, सॉरी यहाँ पर आना था आपका माइनस 2, सॉरी बच्चों सॉरी माइनस 2, ठीक है, वाई की वैल्यू माइनस 2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर अब हम वही चीज करेंगे कि हम एक एक वैल्यू और हमें पॉइंट में निकालनी पड़ेगी, थोड़ी ये कैलकुलेशन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 2, जब हमने x की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना आएगा 7 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो कितना आएगा बच्चों ये 14 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 14, तो 5y इज इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, ध्यान रखो आपका 6 माइनस 2 और 4 माइनस 3, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 32 अपॉन में 5, ये कितना आएगा 6.4, ठीक है, 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, ओके, यहां तक समझ में आ गया बेटा, 5 6 7.4, ठीक, तो यहां पर हमने अगर x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 6.4, तो बेटा देखो सारा डेटा जो है मैंने आपका निकाल दिया है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें ग्राफ पे सॉल्व होता है, ठीक है बेटा। देखो बच्चों अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 किस यहां पॉइंट पे आएगी, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 कहीं आप देखेंगे यहां पर लाई करेगा, ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, नेक्स्ट पॉइंट है आपका x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, समझ में आ गया, नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू
टू और वाई की वैल्यू 5.7, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5.7। देखिए जरा बच्चों, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 5.7 है, तो एक्स की वैल्यू 2 ये रही और वाई की वैल्यू 5.7। देखो बेटा 5.7 अराउंड कभी थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा यहां पर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है आपको, तो x की वैल्यू 2 हो गया और 5.7 ये हो गया, है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लगा रहा है। अब देखो ग्राफ का आप प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट डेटा बनेगा आपका। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दोगे आप, 5x + 7y = 50। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट सेम मीट कर गया, पॉइंट साइड हो गई। ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 8 कहां हो गई बेटा, ये हो गई, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू 8 ये हो गई, ये हो गई, और y की वैल्यू -2 ये हो गई। यहां पर पॉइंट आएगा आपका x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6.4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6.4। देखिए ये यहां पर 5.7 था, 6.4 अराउंड थोड़ा सा यहां पे जाएगा 6.4। देखो ये पॉइंट आ रहा है, तो अब यहां पर हम जब इसे ये कोइंसाइड पॉइंट है इसका, ठीक है, तो जब हम यहां पे ऐसे लाइन खींचेंगे इसको, सॉरी यहां पर पॉइंट हो गई, जब हम इसे लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये इस तरीके से लाइन जाएगी हमारी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहां से आएगी पॉइंट, हल्का सा पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी बड़ी लेते तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती, इसको थोड़ा सा और डार्कनेस कर लेते। तो यहां पर ये दूसरी इक्वेशन जो है ये आपके डेवलप हो गई, 7x + 5y = 46। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पे जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा ये आया 3.5। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकला कि हमने जो माना था यहां पर x हमने माना था किसको, नंबर ऑफ पेंस को। ठीक है, एक्स हमारा क्या था, पेंसिल थी एक्स, और वाई थी हमारा नंबर ऑफ पेन। तो एक्स की वैल्यू जो हो गई हमारी 3 हो गई और वाई की वैल्यू हो गई हमारी 5। तो पेंसिल की संख्या जो हो गई हमारी 3 हो गई और पेन की जो संख्या हो गई वो हमारी कितनी हो गई, 5 हो गई। पेन की कोस्ट निकाल लीजिए मेरे ख्याल से, यहाँ पर एक मिनट रुकिए, फाइंड द कोस्ट ऑफ द वन पेन, सॉरी वन कोस्ट है ये पेंसिल, वन पेंसिल कोस्ट 5 rupees। ठीक है, वन पेंसिल कोस्ट 5 rupees, सॉरी 3 rupees एंड वन पेन कोस्ट 5 rupees। तो यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ जाओ बेटा, वन पेंसिल कोस्ट 3 rupees, वन पेन कोस्ट 5 rupees। ठीक है, अब बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो अगर बेटा ये ग्राफ थोड़ा यहाँ बोर्ड पे सही से नहीं बन रहा, आप इस पॉइंट को अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट डेटा बनेगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आगे चलते हैं हम। ठीक है, थैंक यू बेटा।